मुझे बड़ा दुख है कि आज 10:45 पर ज्योति मठ के पास ग्लेशियर टूटा है। अभी तक जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो संस्था है उससे जो बातचीत हुई है, 150 लोग लापता हैं और तपोवन बांध के पास 9-10 शव मिले हैं और जो गंगा हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल इसमें तबाह हो गया है। अभी मेरे बड़े मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत हुई है और मेरे महकमे के जो सेक्रेटरी हैं जल शक्ति के, पंकज जी, जब मैं यहाँ इंटर कर रहा था तो मेरी उनसे बातचीत हुई है। मैंने सारी रिपोर्ट उनसे मांगी है। उनकी चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है उत्तराखंड के, और जो मेरा डिपार्टमेंट का सेंट्रल वाटर कमीशन है वहाँ पर हमारी बातचीत हुई है। और जो हमें अभी जो ब्रीफ किया गया है कि ऊपर डैमेज बहुत हुआ है और उसका आंकलन किया जा रहा है, 5-6 बजे तक पानी हरिद्वार पहुंचने की संभावना है। लेकिन पीछे पानी रोक दिया गया है जो पहले ऑलरेडी चलता था, और इस पानी को आने दिया जाएगा। कुछ रास्ते में थोड़ा और भी स्टोरेज होगी, तो जो आंकलन है वो इस प्रकार का अभी तक आ रहा है कि ऊपर बहुत भारी नुकसान हुआ है, लेकिन हरिद्वार तक आते हुए नीचे नुकसान का जो डैमेज कंट्रोल है उसको कर लिया जाएगा और जान माल की हानि को बचा लिया जाएगा। ये अभी लेटेस्ट जो है 5-7 मिनट पहले की रिपोर्ट मेरे पास आई है। क्या डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें वहाँ चली गई? हाँ, वहाँ सब चले गए हैं, सब चले गए हैं वहाँ पर। अच्छा, गंगा के माध्यम से सैलाब आ रहा है? हाँ, उसी में आएगा पानी, पानी तो उसमें आएगा। हाँ, अच्छा, लेकिन उसकी गति को बीच में ही कम करके जो छोटे छोटे डैम आते हैं तो पानी को डाइवर्ट करके, या जो ऑलरेडी पानी कहीं चल रहा है उसको कम करके हरिद्वार तक आते आते डैमेज ना हो, तो उस सिस्टम के अंदर भी सारा प्रशासन, सारी उत्तराखंड की सरकार लगी हुई है। जो हमारा महकमा है, हमारे महकमे का जो मुख्य दायित्व है वो टेक्निकल सपोर्ट, और अगर इस प्रकार की जो नेशनल डिजास्टर की जो बातें आती हैं उसके लिए होम मिनिस्ट्री फंड देती है, लेकिन समय समय के ऊपर हमारा डिपार्टमेंट भी उसमें आगे आता है। अभी तक की तो रिपोर्ट इस समय की ये है।